आपको बता दें कि पटना को लगातार गोपनीय सूचना मिल रही थी कि सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में नौकरी लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाला गिरोह इन दिनों राजधानी पटना में सक्रिय हुआ है। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं व शैक्षणिक स्थानों के परीक्षाओं को पास करवाने के नाम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूला करते हैं। तत्काल इस सूचना के सत्यापन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पटना के नेतृत्व में एक विशेष टीम का अंदर चला। एक स्कॉलर को अंदर नहीं भेजते थे क्योंकि ये और ऑनलाइन है, अब ऑफलाइन तो लिखना नहीं है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी है कि अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक होता है आज, अंदर एग्जामिनेशन सेंटर में ओरिजिनल कैंडिडेट ही जाता है, लेकिन जब उसका जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिस पे उसने एग्ज़ाम लेना है उसका डायरेक्ट फीड इनके समानांतर रूप से इनके लैपटॉप्स पे आ रहा है, उसको सिर्फ वहाँ पे बैठ के अपना टाइम पास करना है, सॉल्व ये करके वहीं से सबमिट करते हैं। सॉल्वर्स इनके पास रहते हैं और वो सॉल्वर्स इनके अधिकांश जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे मुसलापुर हाट में है और जो कंकड़बाग के एरिया में है, एक मूल रूप से ज़्यादातर कंकड़बाग में ही रहते थे, तो वहीं से ही ये सॉल्वर्स देते थे। और लेकिन क्योंकि आजकल बहुत सा मटेरियल गूगल पे भी उपलब्ध है तो गूगल से भी सॉल्व कर लेते, तो सॉल्वर्स को वहाँ से अरेंज करते थे, लेकिन सॉल्वर्स एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जाता तो उनको जाने की आवश्यकता। सॉल्वर कोई पकड़ाया सर इसमें? सॉल्वर्स का उन्होंने नाम बताए उसकी छपा। सर मुख्य सरगना कौन है इसमें? इस बारे में अश्विनी सॉल्वर जो कि मूल रूप से ये सब कहाँ कहाँ का रहने वाले। अरे